वो कदमों में ही मारता है उसको। कदमों में ही तुम मर जाओ। So hey what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha. So आपके लिए लेके आ गया नई वीडियो और वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस पे हमें बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, आप सभी का बहुत ज्यादा लाइक आते हैं, बहुत ज्यादा मतलब रिस्पॉन्स रहता है, हमें मजा आता है। डॉक्टर जाकिर नाइक रिक्वेस्ट आई थी एक सही बात है और मतलब मजा आता है डॉक्टर जाकिर नाइक की, हमें मतलब आंसर जो देते हैं ना जाकिर साहब, मतलब इतना कमाल का आंसर, इतना पूरे दिमाग में जहन में बैठ जाता है, कभी भूलते नहीं है वो चीज है ना। सो मतलब फैन हो गए हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ना। सो आज की वीडियो होने वाली है मेरे सवाल का जवाब दो अभी मुसलमान हो जाऊंगा, ये मतलब झगड़ा झगड़ा। अच्छा ये टाइटल लिखा है, ये उस बंदे ने कहा होगा जिसने डॉक्टर साहिब को क्वेश्चन पूछा होगा। डॉक्टर साहिब देखते हैं फटाफट, फिर सो वीडियो देखते हैं हम पूरी, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस, तो देखते हैं क्या आंसर है। और इतना तो हमें भी पता है कि डॉक्टर साहब आंसर दे ही देंगे और ऐसा देंगे वो भी याद रखेगा ना। सुनते हैं फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस इंशाल्लाह। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, वहां पर कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 3 से। मेरा नाम नित्यानंद यादव है। जिस बीबी को 1, 2, 3, 4 बच्चे हो और उसकी 1, 2, 3 गलती पर पति के ओर से तलाक दे दी जाए, फिर उसकी शादी ना हो और वह जिस्म बेचने वाली औरत हो जाती है, ऐसी स्थिति आ सकती है तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का प्रथा नहीं है। मेरा गुजारिश है डॉक्टर जाकिर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है, अगर मुझे आप संतुष्ट पूर्वक जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूंगा। डॉक्टर साहब की खुशी देखी और बंदे का हौसला, मतलब इसको ना ये बंदा बहुत ही ज्यादा, ये बंदे के दिमाग में क्वेश्चन होगा, ये बहुत ही ज्यादा परेशान होगा इस क्वेश्चन से, इसको आंसर कहीं नहीं मिल रहा होगा। अब इसने लास्ट इसको यही मिला कि डॉक्टर साहब देंगे आंसर और ये दे देंगे तो संतुष्ट हो गया उसने पहले कहा ना। तो डॉक्टर साहब भी पूरे स्माइल के साथ उठे और मतलब यार बहुत खतरनाक होने वाला है ये, कर लूंगा। सब इसे यही रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है ये, आंसर सुनना पूरा डॉक्टर साहब का। क्योंकि मैंने विभिन्न जलसों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, तो आज मुसलमान भाइयों 10,000-20,000 की कुर्बानी करते हैं लेकिन 500 रुपया का एक बकरा धाकड़ भैंसा खरीद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं। और मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार दरखास्त करूंगा इंशाल्लाह आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए, मैं इसी वक्त इंशाल्लाह कबूल करूंगा। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मजहब में अगर कोई कैमरा देखा कितने लगे हुए, ये सारे कैमरा है 1, 2, 3, 4 ऊपर तक, कोई औरत गलती करती है, 1, 2, 3, 4 बच्चे है, 1, 2, 3 गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है, फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है, हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है कि इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर, हिंदू मजहब में नहीं, ये आपका बेसिक सवाल, बराबर भाई साहब, क्या इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब जी, क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए, अक्सर मजाहिब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 और 32, इट हैज बीन टोल्ड ऑफ द ओल्ड टाइम दैट थाउ शैल नॉट गिव अ बिल ऑफ डिवोर्स, बट आई से टू यू पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूं अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है फिर ही आप डिवोर्स दे सकते हैं। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मजहब में बिल्कुल सही फरमाते, हिंदू मजहब में डिवोर्स ही नहीं है, ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, इस्लाम मजहब में डिवोर्स क्यों है? इस्लाम मजहब में डिवोर्स है लेकिन
ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है, निकाह इज अ मिसाक, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियां बीवी, औरत और मर्द तब शादी करते हैं, निकाह एक मिसाक है, सेक्रेट कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियां बीवी होंगे। अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं, तो आप क्या करते, प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियां बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट रहते, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे, लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए, बहुत से बार दोनों अच्छे बट कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना। तो अगर मियां बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे है लेकिन कंपैटिबल नहीं, कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है। आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज अलग है, हिंदुस्तान के अलग है, बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ईस्टर्न कल्चर अलग है, हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडेस्ट है, वो वेस्टर्न कंट्री में बिकनी में घूमते हैं। आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगे तो आप तो लात मारेंगे उसको ना, वेस्टर्न कंट्री में चलता है, आप समझे कह रहे भाई साहब, भाई साहब जी समझते हैं, लेकिन ऐसी नहीं, मेरा, तो बहुत मेरा जवाब पूरा, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। तो अगर आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो बोलेंगे भाई जाओ अपने अपने घर पे जाओ, वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिकनी में घूमती उनको कोई फर्क नहीं। और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे नहीं, 3 चीज हो सकती, दोनों अच्छे लेकिन कंपैटिबल नहीं है, या दोनों में से शोहर अच्छा नहीं या बीवी अच्छी नहीं, या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं। तो ऐसे मौके पे कुरान मजीद में अल्लाह सुबहाना ताला ने तरीके दिखाए किस तरीके से तलाक होना चाहिए। जब तलाक होता है तो तलाक के कुछ शरायत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करे, भाई क्या प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं कहा बीवी नमक ज्यादा डाली खाने में, आपने बोला तलाक तलाक तलाक, अब नमक नहीं ज्यादा पसंद तो बोलो बीवी को भाई नमक कम डालो, बैठ के बात तो करो। तो कुरान मजीद में लिखा है पहले आपस में बात होना चाहिए, आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आर्बिटर लेके आओ, बीवी के घर के तरफ से, बीबी के तरफ से एक आर्बिटर लेके आओ समझौता के लिए, शोर के तरफ से एक कोई बड़े को लेके आओ समझौता के लिए, एक मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझौता हो जाता है, फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर आप तलाक दे सकते हो। तलाक देने का तरीका है, तलाक 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 नहीं, तलाक दो फिर 3 महीने रुको, वो ट्रायल पीरियड है, इज्जत का मौका। इस दरमियान 3 महीने में आपने तो बड़े जोर से बोले मैं बीवी के बिना रह सकता हूँ, 2 हफ्ते में आपको डाला टेका भाव मालूम पड़ता है, आप बोले अरे भाई मुझे बीवी को ऑफिस लेके आ जाओ, अब रुजू करो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रायल पीरियड भी अल्लाह ताला ने दिखाया है। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं भाई साहब, अगर आपकी एक बहन है, आप अपनी बहन के लिए एक अच्छा शोहर तलाश करते, भाई साहब आप सुन रहे मुझे ना? जी सर। भाई साहब आप सुन रहे हैं ना मुझे? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते, एकदम तहकीक करने के बाद, तहकीक के बाद आपको पता लगता है कि 1 साल बाद आपकी बहन आपके पास आती है, भाई साहब वो शोहर जो आपने मेरे तलाश किया बिल्कुल गलत आदमी, क्या हो गया, वो रोज मुझे मारता है, क्या बात है, वो शराब पी के रोज मुझे मारता है, रोज मुझ पे जुल्म करता है, हर रोज बिना वजह मुझे मारता है, मैं उसकी खिदमत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी ये रोज मुझे आके शराब पी के मारता है। आप जाके उससे बात करेंगे, भाई क्यों शराब पीता है, भाई क्यों मारता है, नहीं मुझे मजा आता है, आपके समझाने के बाद फिर भी नहीं मानता है, हर रोज मारता है, आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जिए, या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब। हिंदुओं में देखा हिंदू की बात नहीं करता हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं भाई साहब, हिंदू मुस्लिम को छोड़ो, मेरा ही बात कर रहा हूं भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बहन के लिए आपने अच्छा शोहर तलाश किया, 1 साल बाद पता चलता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, शराबी है, जुआरी है, रोज आपकी बहन को मारता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, अपने दोस्तों को लाता है आपकी बहन के साथ सोने के लिए,
तो आपको पता चलेगा, तो क्या करेंगे आप? अब पसंद करेंगे आपकी बहन इसको झेलते रहे, या पसंद करेंगे भाई उसको छोड़ दो, दूसरे से शादी करो? आप क्या पसंद करेंगे? हिंदू को छोड़ो, मुस्लिम को छोड़ो, आप क्या पसंद करेंगे? मैं अगर इस तरह का मेरा बहन हरकत करेगी, बहन हरकत ने आपका बहनों भी हरकत कर रहा है, बहन तो बहुत अच्छी है आपकी, बहन तो बिचारी देवी जैसी है। मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि देखो बहन, तुमको जो पति मिला है तुम उसी का बोल। डॉक्टर जाकिर नायक सोचेंगे क्या नहीं, बंदा काम कर रही है, उनकी गर्दन नीचे हो गया ना। हाँ। जो चीज उसको पूछ रहे हैं वो आंसर उसका उल्टा दे रहा है वो भी, है ना। सो मतलब सीरियस हो गया ये, सेवा करो। और इस बंदे की नेचर मेरे को पता कैसी लग रही है, इसको जितना मर्जी समझा लो ये समझेगा नहीं, मतलब जब तक इसको अपने दिल की तसल्ली नहीं होगी ना तब तक ये मानेगा, इसको आगे जो मर्जी खुद आगे समझा दे तब भी नहीं मानेगा, ऐसा बंदा लग रहा है मेरे को। आगे देखते हैं सेटिस्फाई होता है क्या होता है। चूंकि हम लोगों का धर्म जो है जब विवाह हो जाती है, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, धर्म पे बाद में आऊंगा मैं। हाँ तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके धर्म से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी बहन से कहा कि मैं अपने शौहर की आप खिदमत करो, खिदमत करने के बाद भी रोज मारता है, उसकी क्या गलती बेचारे आपकी बहन की? आप बोलेंगे बर्दाश्त करो, आपको कल कोई मानने लगेगा, रोज आप पे जुल्म करने लगेंगे, अगर बर्दाश्त करेंगे? आपकी बीवी आपको रोज मारेंगी आके बेलन से रोज मारेंगी, वो अच्छी मार्शल आर्ट्स की है, रोज आपको मारेंगी, आप उसको तनख्वाह लेके देंगे, रोज आपको मारेंगे, आप क्या करेंगे? कौन रिक्वेस्ट? मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बीवी रोज आके आप पाकिस्तान रिपोर्टर में, भाई साहब पाकिस्तान को छोड़ो, मैं आपसे भाई साहब मुस्लिम कमेटी की औरतों से, भाई साहब सुनो मेरी बात ना, पाकिस्तान को छोड़ो, हिंदुस्तान को छोड़ो, मैं आपसे सवाल पूछ, आपने मुझे सवाल किया, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ो, मुझे भी आपकी फिक्र है जी। आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती है, हाँ जी, रोज आपको मारती है, रोज जाके बाहर ऐश करती है, आप क्या करेंगे? मैं उनको समझाऊंगा। नहीं समझती है और वो बहुत अट्टी करती है, समझाएंगे तुमको तो समझाएंगे, क्या करेंगे? अगर नहीं समझती है तो मैं एक किला बनाऊंगा और उस किले में मोटे रस्सी से बांध करके उसको रखूंगा। अरे वो तुमको बांध देंगी, वो अट्टी करती है, तुम क्या बांध देंगे उनको? नहीं, अरे वो तो मैं किले के अंदर तलाक कर लूंगा, भाई साहब बात नहीं करेंगे, भाई साहब अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा टेलीविजन पे, मैं बोल आपकी बीवी अगर एकदम अट्टी करती है आप क्या उसको किले से बांध देंगे? आप गिर जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे बोलो? हम लोगों का जो औरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है। अरे भाई मेरा पति ये बंदा पूछ रहा है यार, सही बात है ना। डॉक्टर जाकिर नाइक मतलब अगर पर्सनली लेते ना बाहर निकालना था क्या बोल रहा है ना, क्या बोलने जा रहा है बंदा, यार साइंटिस्ट है ना। अच्छी बीवी मिली है इस बार, हमारे पति के लिए लंबी उम्र चाहिए। भाई साहब आपकी बीवी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हाइपोथेटिकल है, अगर आपकी बीवी इसको क्या बताएं, आपको भगवान ने अच्छी बीवी दी है तो आप किस्मत वाले हैं, अगर आपकी बीवी सही नहीं होती तो आप क्या करते थे? सर 1-2% हो सकते हैं लेकिन आम में नहीं, आप मुस्लिम में 1-2% की बात कर रहा हूँ, क्या करते थे आप? जी सर आप 1-2% क्या करते थे? अगर 1-2% में ऐसी मक्कार बीवी निकली या मक्कार शोर निकला तो आप क्या करेंगे? 1-2% में होता है लेकिन क्या हमारे करेंगे आप? हम मुसलमानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दिए जाते हैं, रोज तलाक। मुसलमान पे बाद में आऊंगा ना, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बहनों भी आपके बहन को रोज मारता है तो आप क्या करेंगे? 1% हो गया, 2% बोलते, मैं 1% बोलता हूँ, आप क्या करेंगे? मैं तो कदापि तैयार नहीं होऊंगा, नहीं छोड़ देंगे ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या करेंगे? मैं किले में बंद करके रखूंगा। आप नहीं बंद कर सकते ना। संकिष्ट बस बंदा बड़ा खतरनाक है यार, नहीं छोड़ूंगा किले में बंद, किला पता नहीं कितना खतरनाक है इसका। तो बेसिकली ये है कि हम तलाक नहीं देते हैं, हाँ मतलब इसकी चीज के पीछे पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब आप इतना थोड़ी ना बता देंगे, अपने अपने धर्म का बनाया होता है ये चीज, है ना, कि कहीं में नहीं अब मुस्लिम धर्म ने बनाई ये चीज तो वो कर देते हैं ना, इसमें नहीं है तो अब उसका आंसर वो समझा के देंगे ना कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट है ही नहीं बना हुआ तो वो क्या करे, है ना।
सही है वो आपसे ताकतवर है भाई साहब। नहीं नहीं अरे है एकदम आपकी बीवी है भाई साहब अच्छी है जी नहीं मैं खाली हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं अगर ऐसी बीवी होती थी तो क्या करते थे। नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है। हुआ नहीं आप किस्मत वाले भाई साहब। नहीं तमाम मुसलमानों का हम सोच रखने वाले हैं सोचते हैं। आता हूं भाई साहब मैं सब जवाब दूंगा आपको। मैं आपसे सवाल पूछता आपके साथ ऐसी हरकत हुई आपकी बहन को अगर कोई रोज मारता है आपका बहनोवी रोज परेशान करता है लाल पीला करता है शराब पीता है जुआरी है तो आप क्या बोलेंगे बहन को। मैं तो कदापि तैयार नहीं होगा ये बात में। नहीं नहीं क्या बोलेंगे आप अपने बहन को। बहन को बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो। नहीं तुम जाओ उसके कदमों में जाके पड़े रहो। वो कदमों में ही मारता है उसको। कदमों में ही तुम मर जाओ। बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो। नहीं तुम जाओ उसके कदमों में जाके पड़े रहो। वो कदमों में ही मारता है उसको। कदमों में ही तुम मर जाओ। कदमों में ही मर जाओ। तो क्या ये इंसानियत है। नहीं ऐसे धर्म को मानते हैं जी। ऐसे धर्म को मानते हैं कि जो शोहर अगर पति के द्वारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हकदार हो सकते हैं। ये किधर लिखा है ये किताब में मानते हैं। अगर ऐसी किताब में लिखा तो हर शोहर अपने बीवी को मारने लगेगा ना। इसने लिखी होगी ये किताब। मारने लगेगा बोलेगा चलो यार वो जन्नत में जाएंगी मारो। नहीं, हम तो बता रहा हूँ सर कि एक दो बात हो सकते हैं। आप जो बोल रहे इसीलिए जितनी नाइंसाफी औरतों पे हो रही हिंदुस्तान में उसकी वजह ये है। उसकी वजह ये है कि हिंदू औरतों पे जब नाइंसाफी होती है वो चुप। ये बंदा मानने को तैयार ही नहीं है। मानने को तैयार नहीं है। ये मानने को तैयार ही नहीं है। ये सोचा कि बीवी जो भी करे जुल्म करे वो सही है। हाँ। और तो ना करे कुछ भी। हाँ। ना डाइवोर्स दे ना कुछ करे ना ये बस उसके कदमों मर जाए ना। सही बात है। डॉक्टर साहब ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि जुल्म जो हिंदुस्तान में हो रहा है इसी ऐसे बंदों की सोच की वजह से। चुपचाप बहन करती है क्यों। उसको आवाज उठाना चाहिए। मुसलमान औरतें आवाज उठाती है तो आपको दिखने में आता है। जो आप बोलते हैं तलाक कितने लोग का तलाक यहाँ पूछेंगे मजबिज में लाखों लोग हैं कितने लोग का तलाक हो तो 1% भी नहीं मिलेंगे आपको। भाई साहब यहाँ पर अगर सर्वे लेंगे कितने लोग का तलाक हो 1% भी नहीं मिलेगा। अभी तो भाई साहब हिंदू राष्ट्र है जो कोर्ट में दायर कर दिए जाते हैं इसलिए तलाक। अगर तलाक की फीसद देखी जाएंगी तो मैक्सिमम 2-3% होगा। लेकिन ये 2-3% पे जो जुल्म होता है हो सकता है 5% पे जुल्म हो रहा है 3% औरत आवाज उठा रही है। हिंदू के अंदर कितना जुल्म हो रहा है वो सहन कर रहे हैं। लोग बोलते हैं क्या वो जाएंगी जन्नत में। क्या सही है ये। बहुत ऐसा धर्म हो सकता है कि जुल्म करे अने तुम्हारा शोहर तुम्हारा ईश्वर वो शराबी भी है जुआरी भी है तुमको मारता भी है तुम्हारे साथ दोस्तों से बलात्कार कराता है फिर भी ईश्वर। कैसा ईश्वर। ईश्वर एक है तुम्हारा शोहर नहीं। शोहर ईश्वर नहीं है भाई साहब। ईश्वर एक है ऊपर वाला ईश्वर है। शोहर कभी ईश्वर होता नहीं। हाँ शोहर की इज्जत करना चाहिए लेकिन इज्जत करने की हद होती है। अगर हद से बाहर हो जाता है तो इस्लाम में इजाजत है कि वो अलग हो सकते हैं। शोहर भी अलग हो सकते हैं औरत भी अलग हो सकते हैं। तरीके है तलाक है खुला है निकाह फस्क है तो इसके अंदर इस्लाम में कहा गया है कि शोहर की इज्जत करो। ये भी कहा गया है शोहर को कि बीवियों से अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे अच्छे मुस्लिम वो जो अपने खानदान के लोगों से अच्छे हैं खुसूसन अपनी बीवियों के साथ।
तो कुरान में लिखा है और हदीस में भी लिखा है कि आप अपनी बीवियों की देखभाल करना चाहिए, और बीवियों से कहा गया कि आप अपने शोर की देखभाल करना चाहिए। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में, हुन्ना लिबासुल लकुम वअंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि आपकी बीवियां शोहर का लिबास है और शोहर बीवियों के लिबास है। लिबास मतलब एक दूसरे को अपना सहारा देते, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, एक दूसरे को ब्यूटीफाई करते हैं। ये इस्लाम है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब नहीं कि आपने शादी कर दी तो जुल्म भी करो। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर औरतों पे जुल्म हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है, गांव-गांव में जुल्म हो रहा है, लेकिन आवाज नहीं उठती। आप जैसे भाई अगर होंगे औरत के पास तो औरत कैसे नजात पाएंगी? आप जैसे भाई ये जो बोलेंगे कि कदम में पड़ो मर जाओ जन्नत में जाएंगे, तो कौन बहन दुआ करेंगी का ऐसा भाई उसके पास हो? क्या बात है, बहुत खूब बात करेंगी। बोलेंगे मेरे पे जुल्म हो रहा है, मेरी जहन्नम बन रही है, और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाएंगे। कैसा ये कैसा इंसाफ है? इसे लोग दुआ करेंगे ऐसे भाई से मुझे निजात दो, ये भाई से छुटकारा दो। और इस्लाम में जुल्म करना हराम है, जुल्म बर्दाश्त करना हराम है। आप अगर जालिम का साथ देंगे तो आप भी दोषी है, वो जन्नत में तो जाएंगी, तुम जाएंगे नर्क में। समझे भाई साहब? भाई साहब, इस्लाम में भाई का धर्म है कि अपनी बहन की रक्षा करे। अगर बहन पे जुल्म हो रहा भाई बोलेगा जाओ जाओ, तो बहन तो हो सकता है स्वर्ग में जाए, बेचारी बर्दाश्त करिए, तुम नरक में जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा? क्या भाई साहब, आप नरक में जाना चाहते हैं स्वर्ग में? भाई साहब सर, मानता हूँ आपका बात। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नरक में? स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगे। तो आप अपने बहन को नरक बना रहे जिंदगी को, और आप जाना चाहते स्वर्ग में? हाँ, आप अगर औरत होती थी तो, अगर खुदा आपको औरत बनाता था और आप पे जुल्म होता था, आप क्या करते थे? हाँ, सहलेंगे। वो धर्म होना चाहिए जो सारे इंसान को यकसा मानता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नास इन खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइला लितअरफू इन अकरमकुम इंदल्लाह यतक़ाकुम इंदल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से बनाया मर्द और औरत के, और आपको तकसीम किया है कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो। और सबसे बेहतरीन इंसान वो जो तकवा रखता है, जो अल्लाह सुबहाना ताला के कहने पे अमल करता है, इसे कहते हैं तकवा। कुरान में एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा कैसे हो सकता है? ना जिन्स के बुनियाद पे, ना पैसे के बुनियाद पे, ना रंग के बुनियाद पे, ना देश के बुनियाद पे, लेकिन तकवे के बुनियाद पे। तकवा मतलब गॉड कॉन्शियसनेस, राइचियसनेस, पायटी। आप अच्छे इंसान बन सकते जब भी आप अच्छे इंसान होंगे, राइचियस इंसान। आप खुद अपनी बहन के लिए हक नहीं चाहते तो आप कैसे भाई है फिर? भाई साहब, आप अपनी बहन को कहते हैं कि आप उसके कदमों में मरो क्योंकि आपका मजहब कहता है, बराबर? भाई साहब जी, आपका मतलब सही कहता है, ऐसा तलाक करना तो सही नहीं लग रहा है। और बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है, सही लग रहा है? जुल्म तो कम परसेंट में देखे जा रहे हैं। आपको कैसे पता है? आप तो बोलते चुपचाप रहो, तो वो तो आवाज भी नहीं उठा रहे, तो मालूम कैसे पड़ेगा? कम अज कम मुसलमान औरतें आवाज उठा रहे ना, चूंकि देखा गया। देखा गया क्या? देखा गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर जुल्म हो रहा है, आपने बोले क्या उसे चुपचाप सहन करना चाहिए? अगर ऐसा करे तो अक्सर आदमी जुल्म करने लगेंगे। मुसलमान सोचेंगे ज्यादा जुल्म करेंगे तो बेचारे छोड़ के चले जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा, खाना मुझे पकाने पड़ेगा फिर, बराबर ना? वो छोड़ के भाग जाएंगे। तो वो हिंदू तो अच्छा भाई, मारो भी, कुछ भी करो, ऐश करो, रोज मारो तो भी मैं साथ रहेंगे। कैसा ये मजहब है? हिंदुस्तान में भी गलत है, शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है। रोज शराब पी के जुआ खेल के मारेगा तो पुलिस को पता चलेगा, पुलिस भी अंदर कर लेगा आपके बहनों ही को। आप समझ रहे भाई साहब? आप समझ रहे क्या? नहीं समझ तो गए हैं, लेकिन सर लेकिन कबूल करना मुश्किल पड़ता है। नहीं सर, कबूल करना हमेशा मुश्किल है भाई साहब, क्योंकि देखा गया कि जितने बीवी को तलाक दिया गया उसकी दोबारा शादी अगर नहीं करा सका तो वो बेचिया बन जाती है, बाजार में जाके जिस्म बेचती है। अगर आपके ये राय है तो आप दूसरी शादी कराओ ना। इस्लाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बीवी जब की
शी वॉज विडोड, उनके शोर मर चुके थे, अब समझे ना। और जितनी भी बीवियां जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक को छोड़ के अक्सर इधर विडोड थे या डिवोर्सी थे, आप समझ रहे ना। तो इस्लाम में अच्छी बात है अगर आप डिवोर्सी से शादी करते हो, उसमें बुरा थोड़ी है। हमारे हिंदुस्तान में एक कलंक है डिवोर्सी से शादी करना, इस्लाम में नहीं। साहबा के दौर में साहबिया भी अच्छी थी, साहबा भी अच्छे थे, दोनों कंपैटिबल नहीं थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो भाई, दूसरे से शादी करो। दोनों अच्छे थे लेकिन आपस में उनका मेल नहीं होता था, तो जुड़ा होता, आप दूसरे से शादी करो, आप दूसरे से करो। इतना आसान मतलब जरूरी का जबरदस्ती अगर स्क्वायर को आप राउंड में डालेंगे, फिट नहीं हो रहा तो आप दबा के करेंगे फिट। डोंट ट्राई टू पुट अ स्क्वायर इन अ राउंड होल, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल इफ यू ट्राई टू पुट। अगर स्क्वायर को राउंड में डालेंगे फिट नहीं होएगा। अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप पाठ करो अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत के साथ। उनको खाली पीजी कोर्ट के अंदर जाके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछालो, प्यार से अलग हो जाओ, आप दूसरी शादी करो, ये दूसरी शादी करेगा, ये सबसे बेहतरीन है सारे इंसानों के लिए। और दोनों जन्नत में भी जा सकते हैं ना, जरूरी है क्या क्या वो शख्स इतना जुल्म उठाए। हम तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल है आपके लिए, बराबर भाई साहब ना जी। और एक सवाल छिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुलासा कर देते तो मैं सोच विचार के देख लेता। क्या सवाल है आपका, सोच विचार क्या? आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते लेकिन कबूल। यार ये आगे कंटिन्यू है, ये आगे क्वेश्चन, हाँ, ये आगे प्लीज, यही हम चाहते हैं कि ये आप हमें बता देना कि ये वाली वीडियो का आगे का पार्ट कहाँ पे है, कहाँ पे है, उस पे हम रिएक्शन करेंगे और इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना ये वाला हमें। मेन बात यही है गाइस कि मतलब ये मानते लेकिन कबूल नहीं करना चाहते हैं, और इन्होंने जो बातें कही है ना, जो मतलब हमारे यहाँ बहुत ऐसे कम है, ये सिर्फ कई लोगों की सोच ऐसी है जो कि ये खुद बता रहे हैं कि जन्नत में गिर जाना, ये वो भी बैकवर्ड इलाकों की सोच है। आजकल तो नहीं, आजकल सारे एडवांस है, ये पता नहीं, ये वीडियो भी पुरानी का भी पुरानी है लेकिन कई कई इलाकों में ऐसा है, लेकिन सारे अगर हम बोले तो सारे लोग ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, अब तो है ही नहीं बिल्कुल भी ऐसी चीजें ना। पर हाँ ये बात हम मानते हैं कि जुल्म सहते हैं, वो तो आई थिंक हर एक तरफ से सहते होंगे, मतलब सहते हैं, पर इतना ज्यादा थोड़ी ना कोई टोल डेट करता है, लिमिट होता है। और आजकल इतना ज्ञान हर एक को है, वो पहले का टाइम होता था जब लोग मतलब अनपढ़ होते थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे तो उनको पता नहीं, अब हर एक बंदा, हर एक इंसान पढ़ा लिखा, हर एक को नॉलेज है, तो वो ऐसी चीजें करता ही नहीं है, पहली बात तो है। और पहले होता था कि जो बीवियां होती थी या औरतें होती थी वो सह लेती थी, लेकिन आजकल की लड़कियां एडवांस है, कुछ सुन नहीं सकती, सहना तो दूर की बात है। तो ये है, बाकी भाई ने क्वेश्चन सही पूछा था, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन सही था, पर उसको ना वो खुद ही फंस गया अपने, उसको पता नहीं, मैं समझना क्या चाहता हूँ मेरे को पता ही नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी फिर उतना सही से क्लियर पाए, क्लियर तो उन्होंने कर दिया, पर वो भी ना इनके इसके क्वेश्चन को आंसर देने में लगे रहे, जैसे फिर कैसे कैसे टॉपिक आता गया गया ना, इसने सारा बिगाड़ दिया क्वेश्चन का, क्वेश्चन बंदे ने। तो बाकी डॉक्टर जाकिर नाइक ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया यार, पूरा घुमा फिरा के, बेशक उन्होंने 20 मिनट लिए इतना ज्यादा घुमा फिरा के, नहीं तो ये आंसर बहुत ही शॉर्टली खत्म हो जाता अगर उनकी बात सुनते डॉक्टर जाकिर नाइक की, और ये बंदा भी ध्यान से सुनता कि कोई ऐसा फालतू का क्वेश्चन पुट ना करता कि नहीं हाँ जन्नत में पैरों में पड़ी रहो, वहां मर जाओ पैरों, यार बंदा भी अजीब ही है ना। सो बाकी ये था रिएक्शन, आप हमें बताइए नेक्स्ट पार्ट इसका, या जो भी आप वीडियो पे रिएक्शन चाहते हो वो हमें बताइए। और बाकी सीरीज चल रही हैं वो दूसरे चैनल पर पड़ रही है, चल रही है जैसे आप सभी को पता ही है ना, सो आप वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में ना, तो गाइस मेरे ना गले में पेन होने लग पड़ी है, सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में ना, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।